जसपुर में किसान नकली खाद को लेकर परेशान है। किसान समिति में खाद उपलब्ध ना होने पर उन्हें प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदनी पड़ रही है। इसी बीच एक मामला सामने आया है, जहां हाजिरों निवासी किसान राजेंद्र सिंह ने भगवतपुर MVP एग्रो एंटरप्राइजेस से कैट खरीदा। खेत में डालते वक्त खाद में रेतीला और ककड़ी महसूस हुई और किसान ने मामले की शिकायत भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष से की। तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एग्रीकल्चर विभाग अधिकारी ने दुकान में रखी खाद के नमूनों को भरकर एग्रीकल्चर लैब जांच के लिए भेजा है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग ने यूपी से खाद लेकर बेच रहे दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किसान है, हमें फोन द्वारा सूचना मिली है कि ये यहाँ से खाद ले गए थे NPK। उस खाद में पत्थर और रेता इन्होंने बताया कि इसमें निकला है, तो हमने मौके पर आकर यहाँ देखा है, उसे बाल्टी में डालकर उसमें वाकई 1 किलो खाद में लगभग मेरे हिसाब से 150 से 200 ग्राम बजरी और उसमें रेत निकली, जिसमें मौके पर SDM साहब को अवगत करा दिया गया था। उनके द्वारा सक्षम अधिकारी यहाँ भेज दिए गए। अब जो भी कार्रवाई विभागीय कार्रवाई होगी जांच का विषय है, तो जो सक्षम अधिकारी हैं वही इसमें देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। जो कमी थी वो हमने इनको दिखा दी है कि पत्थर निकल रहा है और ओवर रेट और कई तरीके के वो आ रहे हैं इसमें निकल। मैं परसों इनसे 2 कट्टे NPK ले गया, 1 कट्टा मैंने ओढ़ दिया गेहूँ के साथ, दूसरा डाला तो मुझे शक पड़ा कि पत्थर है। मैंने उसे धो के चेक किया पानी से, तो उसमें पत्थर निकला था, जो इन्होंने 1650 रुपये का मुझे कट्टा एक दिया। यही है बस, और किसान यूनियन से शिकायत करी थी इसकी। किसानों द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा जो NPK बेचा जा रहा है वो मानकों के अनुरूप नहीं है, तो उसके सैंपल लिए गए हैं। अभी जैसे ही जांच में उसके रिजल्ट आएंगे तो यथा संभव FPU के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित होती जाएगी। देखिए, अभी यहीं से जो मामला आया था उसी के क्रम में यहाँ ली गई है, उसकी सैंपल लिया गया है। बाकी अभी ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, यदि कोई ऐसा आएगा तो किस तरह